हेलो एंड वेलकम टू कुक माई डिश डॉट इन। इंडियन खाना तो दुनिया भर में फेमस है, बट सब में ज़्यादा फेमस है इंडिया की, वो चीज़ है बिरयानी। यस, आई तो थी पर्शिया से बट फेमस होके गई इंडिया से। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक सिंपल नॉर्मल चिकन दम बिरयानी है। सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे हमारे चिकन को। सो मैं एक बड़ा सा बोल ले लूँगा, उसमें डालूंगा ये चिकन विच आर कट इंटू करी कट्स। आफ्टर दिस इन गोज द मेन इन्ग्रीडियंट योगर्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सम रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला पाउडर, क्यूमिन पाउडर, सम नटमेग और कूटी हुई ग्रीन इलायची। सो ये मैंने अभी ही पीस के रखा हुआ है फ्रेश गरम मसाला। अच्छी तरह से हम अपने मैरिनेट को चिकन के साथ कोट कर लेंगे। वी नीड टू ऐड सम सॉल्ट। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा ब्राउन अनियन पेस्ट, तो दिस विल गो इन। मैं इसमें थोड़ी सी स्लिट ग्रीन चिलीज डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने पानी रखा है हमारे राइस को बॉईल करने के लिए, तो उसमें भी मैं सॉल्ट डाल दूंगा, सम ग्रीन कार्डमम, लौंग, एक बड़ी इलायची, सिनेमन स्टिक एंड बे लीफ। दिस विल गिव अ नाइस अरोमा टू आर राइस व्हेन इट गेट्स कुक्ड इन दिस वाटर। मैं इसमें अब ये सोक्ड राइस डालूंगा, सो ड्रेन द वाटर। सो राइस डालने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल घी ताकि हमारा राइस जो है वो खिला खिला बने। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक व्हेन यू पुट द राइस इन। सो जब तक हमारा राइस पक रहा है, लेट्स लेयर आवर चिकन। मैं इसको ग्रीस कर लूँगा घी से ताकि नीचे कुछ चिपके ना। एंड नाउ आई गोइंग टू ऐड द चिकन। अच्छी तरह से इसे स्प्रेड आउट कर लेना है। राइस हमारे पक चुके हैं, दे आर नाइस एंड लॉन्ग। सो लेट्स नाउ क्विकली स्ट्रेन द राइस। अब इसमें जल्दी मैं थोड़ा सा सैफरन डालूंगा जिसको मैंने ऑलरेडी गर्म पानी में रखा था। आई एम गोइंग टू ऐड सम रोज वाटर एंड सम केवड़ा वाटर। अब इस गर्म चावल को हमें तुरंत ट्रांसफ़र करना है इस मैरिनेटेड चिकन के ऊपर, बट उसके पहले वील ऐड सम मोर ब्राउन अनियन, सम फ्रेश कोरिएंडर, सम मिंट, एंड नाउ इज़ द टाइम टू ऐड द राइस। यू कैन सी द स्टीम कमिंग ऑफ फ्रॉम द राइस। जब भी दम बिरयानी बना रहे हो, चावल आप बना के रख नहीं सकते, उसे गर्मा गर्म ही जाना है हंडी में या जिस बर्तन में आप दम लगा रहे हो। अब इसके ऊपर और थोड़ा सा सैफरन, कोरिएंडर, सम फ्रेश मिंट, हल्का सा हमारा बिरयानी मसाला डालेंगे जो हमने फ्रेशली पीसा है, सम ब्राउन अनियन टू गो ऑन टॉप, सो सम जिंजर जूलियंस, थोड़ा सा घी छोड़ना है इसके साइड्स में। सो नाउ आवर बिरयानी इज रेडी टू गो ऑन दम एंड देन वी कैन स्टार्ट सीलिंग दिस विद द डो। बहुत अच्छी तरह से इसे सील करना है एंड आई एम गोइंग टू जेंटली कीप दिस ऑन द फ्लेम ऑन हाई हीट फॉर अराउंड 10 मिनट्स एंड देन मे बी यू कैन रिड्यूस द फ्लेम और एल्स कैन प्लेस अ तवा। जो हमने ये डो लगाया था इसके ऊपर सील करने के लिए, इट हैज़ बिकम हार्ड, दैट मीन्स अब बिरयानी इज डन। भाई वाह, अब लग रही है ना ये एक दम बिरयानी। तो चलिए इसे प्लेट कर लेते हैं एंड परफेक्टली कुक्ड। It is very nice, juicy. It has not gone. What an amazing feeling. चलिए बस अब इसे गार्निश कर लेते हैं बचे हुए फ्राइड अनियन से, मिंट लीव्स टू गो ऑन टॉप। तो लीजिए ये लाजवाब बिरयानी तैयार है सिर्फ आपके लिए। ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए और फॉर मोर सच एक्साइटिंग रेसिपीज लॉग ऑन टू cookmydish.in। आई एम शेफ राज सेइंग गुड बाय बिकॉज आई नीड टू हरी अप बिकॉज आई वॉन्ट टू इंडल्ज इन दिस बिरयानी बिफोर इट गेट्स कोल्ड। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एक्साइटिंग रेसिपीज। बाय बाय।